आपका भाई सजाद। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे, अगर आपने नई कुंडी लगानी है सिलाई मशीन की तो आप उसको किस तरीके से फिट करेंगे। फिट करने से पहले आपने सबसे पहले इस पेज को खोलना है। पेज को खोलने के बाद आपने इसमें रेगमा लगाना है। ठीक है दोस्तों, रेगमा लगाने से क्या होगा कि इसका पेज जो है वो हल्का हो जाएगा, उसमें पूरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी ये टायर है तो टायर से क्या होगा, कुंडी आपकी अच्छे तरीके से फिट नहीं होगी। आपने इसको पहले देखें, ये टैट है तो आपने इसको पहले हथेली में लाकर इसको इस तरीके से बाहर निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने इसमें रेगमा लगाना है। दोस्तों आपने रेगमा को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये गोला रीति आपने लेनी है, कोई भी गोल चीज़ ले लें, रेगमा को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और इस सराख में होल में ये देखें ऐसे घुमाना है कुंडी को, इस तरीके से घुमाना अपने इस तरीके से। इसमें अच्छे तरीके से आपने रेगमा को लगा देना है कुंडी को, ताकि इसमें पेज जो है ना अच्छे तरीके से घूम सके। ये वाला पेज दोस्तों, ये वाला दोस्तों, इसको हम चेक कर लेते हैं। जब घूमने लग गया थोड़ा थोड़ा, देखें इसको थोड़ा सा और लगा लें रेगमा को। दोस्तों रेगमा लगाने के बाद आपने इसको चेक करना है। चेक करने का तरीका ये, आपने ये पेज को लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया। इसके बाद आपने इस पेचकस से इसको इस तरीके से घुमाना है। ये देखें ये घूम रहा है और देखिए दोस्तों ये बिल्कुल लूज हो चुका है। देखें इस तरीके से आपने इस पेच को लूज़ करना है। इसमें लूज करने के बाद आपने ये वाली कुंडी इस गोले में लगानी है। यहाँ पर ये अंदर जो गोला लगा है यहाँ पर लगानी है और इसका जो सुराख है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है देखें। और कुंडी लगाने से पहले ये कुंडी का मनका है प्लास्टर वाला। ये देखो दोस्तों ये प्लास्टर वाला मनका है और इसमें आपने सबसे पहले इसमें लोहे के मनके वाला कुंडी फिर ये देखें लोहे के मनके वाली कुंडी यहाँ पर लगा कर इसमें घुमानी है, ताकि इसमें गोले में जो जगह है वो ठीक तरीके से कुंडी बैठ जाए। ये लाजमी आपने नए गोले में फेर लेनी है अच्छे तरीके से। ये देखें ये लोहे की कुंडी है, ये आपने इसमें लगानी है इस तरीके से। दोस्तों जब भी आपने गोला नया लगाना है, ये गोला और कुंडी फिट करनी है, तो आपने लोहे के मनके वाली कुंडी इसमें लाजमी फेरनी है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि गोले की जो जगह होती है वो थोड़ी टाइट होती है, और लोहे के मनका जो आप फेरेंगे इसमें गोले में तो प्लास्टर की कुंडी जो अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। अगर आप नहीं लगाएंगे तो प्लास्टर मनका जो होता है दोस्तों वो टूट जाएगा या जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसका बेस्ट बेनिफिट यह है कि आपने लोहे की मनके वाली कुंडी इसमें लगा कर लाजमी को दफ़ा घुमानी है। ये देखिए दोस्तों जो जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा ली है कुंडी लोहे मनके वाली। अब ये थोड़ी टाइट है, ये देखें जहाँ पर टाइट हो आपने इस तरीके से व्हील घुमाना है और कुंडी को आपने गोले में फेरना, और ये गोला होगा जो लूज हो जाएगा थोड़ा। दोस्तों आपने ऐसा पहले हाथ से व्हील घुमाना है, गोला में कटाई कर ले कुंडी का मनका। इस पेज को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना, जब ये कटाई कर लेगा लोहे का मनका गोले में तो प्लास्टर की कुंडी वाली कुंडी या प्लास्टर मनके वाली वो अच्छे तरीके से इसमें लग जाएगी। ये वाला मनका कभी ख़राब जल्दी नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट लगाएंगे तो गोले का काम क्या है, इस प्लास्टर के मनके को काट देना, और काट कर ये टूट जाता जल्दी। आपने इसको अच्छे तरीके से मशीन को घुमाना है, घुमाने के बाद ये मनका इसमें हल्का हो जाएगा। आपने कुंडी ये लोहे के मनके वाली खोल लेनी है, उसमें प्लास्टर मनके वाली कुंडी फिट करनी है।
कुंडिया आपने बाहर निकालनी है, लोहे के मनके वाली दोस्तों, ये वाली आपने बाहर निकालनी है। इसके बाद आपने ये प्लास्टिक के मनके वाली कुंडी फिट में इसमें करनी है। सबसे पहले आपने इस पेज को बाहर निकाल लें, उसके बाद दोस्तों आपने कुंडी इसमें फिट कर देनी है। ये वाली प्लास्टिक के मनके वाली कुंडी इसमें फिट कर देनी है। और ये गोला आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये देखें ये गोला है, इसमें आपने इसमें फिट करनी है, इसमें कुंडी फिट कर रहे हैं दोस्तों, देखें। आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना दोस्तों, जब भी आप कुंडी नहीं फिट करें तो लोहे के मड़के वाली कुंडी लाजमी इसमें फेरा करें। यह आपने कभी भी नहीं बोलना, और ना ही डायरेक्ट ये कुंडी प्लास्टिक मड़के वाली लगानी है आपने। अगर ऐसे लगाएंगे तो कुंडी फौरन ख़राब हो जाएगी। व्हील को घुमाते जाएं इस तरीके से, देखें व्हील को आपने घुमाना है और पेज को आपने टाइट करना दोस्तों इस तरीके से। इसके बाद आपने पेज को अच्छे तरीके से टाइट कर देना दोस्तों। दोस्तों इसमें कुंडी मैंने फिट कर दी है अच्छे तरीके से, आपने भी इसी तरीके से प्लास्टिक कुंडी मणके वाली इसमें फिट करनी है, जो मैंने तरीका इस वीडियो में आपको सिखाया है। आपने इसी तरीके से कुंडी को फिट कर देना है। इसमें आपने कुंडी में सबसे पहले ऑयल का तेल इस्तेमाल करना है। इसका फ़ायदा यह है कि ऑयल जो सरसों का तेल होता है वो पुर्जे को टैड को लूज़ कर देता है, और इसमें पॉलिश भी कर देता है, और पुर्जा अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। आपने एमरी मसाला बिल्कुल कुंडी में नहीं लगाना, एमरी मसाला लगाने से कुंडी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। आपने सरसों के तेल से कुंडी को फिट करना है, ठीक है दोस्तों। ये ऑयल जो सरसों का तेल वाला है आपने यही लगाना है, प्लास्टिक के मनके को भी और इस पेज को भी आपने लगाना है। तो फिर जी मैंने कुंडी फिट कर दी है, आपने भी इसी तरीके से कुंडी को फिट करना है। तो आपने ये फेस मसाला लगा देना दोस्तों, दोस्तों अगर आपकी कुंडी यहाँ पर ऊपर लगे तो आपने गोला रिक्ते से इस मत्थे को भी रगड़ देना है, ये याद रखें। जब भी ये कुंडी लगाएं, अगर आपकी कुंडी यहाँ पर ऊपर लगे तो इस मत्थे को फेस मत्थे को आपने थोड़ा सा गोला रिक्ति से इसको रगड़ देना है, ये गोला रिक्ति है, इससे आपने रगड़ाई कर देनी है ये फेस मत्थे को, ये याद रखें। ये आपने भूलना नहीं है, अगर नीचे लगे तो नीचे से आपने ये रगड़ाई कर देनी है, ऊपर लगे तो ऊपर रगड़ाई करनी है आपने। दोस्तों इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, आप इस जानकारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।